Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine at your home. As you know, we have solved our exercise 4.4 in our previous video. Today, we are going to solve our next exercise 4.5 in this video. So, dear student, let's begin. Okay, dear student, our question number first of this exercise is draw a rough sketch of quadrilateral PQRS. Draw its diagonal. Name them is meeting point. Of diagonal in the interior or exterior of the quadrilateral means that we should have, first of all, we should have to draw a quadrilateral. So, dear student, what is quadrilateral? Quadrilateral is a closed figure which has four sides. Okay, like this is a quadrilateral. Okay, and after that we should have to give the name of vertex, okay, PQRS. Okay, then after we have to draw a diagonal. Okay, so what is the diagonal? So diagonal is the line segment which meet opposite vertex of quadrilateral. Okay, so P2R and Q2S, these two diagonals, first of all this, second one is this, and after that question हम से पूछा है कि ये diagonal इस quadrilateral के outer side पे meet करते हैं या inner side पे meet करते हैं, तो देखो inner side पे meet करते हैं, okay, तो हम इसका answer दे देंगे, क्या कि ये इस quadrilateral में inner side में meet करते हैं, okay. Now, second one is, our second number question is, draw a rough sketch of quadrilateral KLMN state. अब हमें एक quadrilateral बनाना है, चलो, ये मैंने एक quadrilateral draw कर दिया है, चलो, ये हमारा quadrilateral है, क्योंकि हमसे question में clearly नहीं कहा है, कि इसका, LMN, कि किस type का quadrilateral हमें बनाना है, easily हमें जैसा comfort हो, वैसा quadrilateral बना लो. ओके, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड. अब अपोजिट साइड यानी आमने सामने वाली साइड, इस साइड के अपोजिट साइड ये होगी. चलो नेम लिखो, के एल लाइन सेगमेंट, फर्स्ट का आंसर हो गया, और इसका अपोजिट एल एम एन एम. ओके, सेकंड वन इज, ओ सॉरी, साथ में एंड यहाँ लगाओ, और के एन एंड कोमा और एम एल, ये लो, देखो डबल डबल हो गया ना, ये वाली लाइन सेगमेंट इसके पैरल अपोजिट है और ये लाइन सेगमेंट इसके पैरल सॉरी अपोजिट है. ओके, देन सेकंड वन इज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल. तो अपोजिट एंगल हो गया, एक तो एंगल के विद एंगल एम एंड एंगल एल एंड एंगल एन, ये दोनों क्या हैं, आपस में अपोजिट हैं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड. अब एडजेसेंट साइड का मीन्स होता है ऐसी दो साइड जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो, यानी एन के और के एल, यानी एन के और के एल दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है. इसके अलावा के एल एंड इसके साथ कौन सी है, एल एम, यानी दोनों का क्या है, दोनों में एक ना एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. देन फोर्थ क्वेश्चन इज टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल. अब एडजेसेंट एंगल का मीन्स होता है कि ऐसा एंगल जो एक एंगल के जस्ट बाद में आता हो, जैसे के बाद एल आता है तो दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है. के बाद एन आता है तो के साथ एल क्या है, सॉरी एन क्या है, एडजेसेंट एंगल है. तो एंगल के साथ कौन सा हो गया, एंगल एल, एंड एंगल के साथ कौन सा आएगा साथ में, एंगल एन. ओके, अगर आप चाहो तो एंगल एन के साथ एम भी नोट कर सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट, बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू अस. ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.6. फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, यानी एक फिगर हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, ये सर्कल हमें गिवन है. ओके, ये सर्कल हमें गिवन है, ठीक है, ये
फ्रॉम अ फिगर आइडेंटिफायर द सेंटर ऑफ सर्कल। अब फर्स्ट का क्वेश्चन हो गया आपका सेंटर, सेंटर कौन सा होगा इसमें? सेंटर, ओ डियर स्टूडेंट्स शायद ये डायग्राम इसका नहीं है, डायग्राम इसका दूसरा वाला है, ये सेकंड वाला, ये इसका डायग्राम नहीं है। सेंटर बताओ इसका, सेंटर क्या होगा? ओ पॉइंट। ठीक है, सर्कल का सेंटर क्या होता है? जहाँ पे रख के हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो आपका सेंटर हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है इसका, थ्री रेडियस। तो रेडियस क्या होगी? एक तो ओ सी रेडियस, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस और ओ बी रेडियस। ठीक है, ये तीनों क्या है? रेडियस है। ठीक है, देन थर्ड वन इज डायमीटर, डायमीटर होगा ओ सी, सॉरी ए सी डायमीटर, डायमीटर है इसका। देखो ऐसा कोड जो सबसे बड़ा हो, सेंटर से निकलता हो, वो क्या है? डायमीटर होता है। देन फोर्थ है आपके कोड, तो कोड देखो आपके ए सी आपके कोड है, और इसके अलावा ए सी भी आपका कोड ही है, लेकिन वो क्या है? सबसे बड़ा कोड है, इसीलिए उसको हमने नेम दे दिया है डायमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पॉइंट इन इंटीरियर। अब इंटीरियर के अंदर कौन कौन से पॉइंट है? देखो फिफ्थ वाला है इंटीरियर में आपके, एक तो पी पॉइंट भी है, एक आपके ओ पॉइंट भी है, ये दोनों क्या है? इंटीरियर में है। सिक्स है इसके बाद है पॉइंट ऑन एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर साइड में कौन सा पॉइंट है? क्यू पॉइंट है आपका एक्सटीरियर में, देखो बाहर है ना। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है सेक्टर। अब सेक्टर है इसका, सेक्टर क्या होता है कि दो रेडियस, देखो ये दोनों रेडियस हैं, इनसे जो मिलके जो बनता है ना जो एरिया, उसको हम कहते हैं सेक्टर। तो इसका सेक्टर क्या होगा भाई? ए ओ बी सेक्टर। ठीक है, ये इसका सेक्टर होगा। नेक्स्ट है सेगमेंट ई डी। अब इसके बाद हमसे सेगमेंट पूछा है, तो सेगमेंट यहाँ बना देता हूँ। सेगमेंट होगा आपके ई और डी है क्या ये? हाँ डी, सॉरी डी है ये, ई डी। ई डी क्या है आपका? ये क्या है इसमें? सेगमेंट है। ठीक है, ये आपका सेगमेंट है। ओके, नाउ अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑल्सो कोड। क्या सर्कल का हर एक डायमीटर क्या कोड होता है? हाँ वही होता है, हमेशा होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा कोड होता है। ठीक है, इट एवरी कोड ऑफ डायमीटर, सॉरी सर्कल इज ए डायमीटर। क्या एक सर्कल का हर एक कोड डायमीटर होता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ा कोड ही डायमीटर होता है, जो कि सेंटर से पास ऑन होता है। देन ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमें एक सर्कल बनाना है और मार्क करना है कि कौन सा उसका सेंटर है, क्या उसका रेडियस है, क्या उसका डायमीटर है, क्या उसका सेगमेंट है। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया, एज इट इज आप डायग्राम बनाएं और अपनी इच्छा अनुसार कोड और रेडियस, डायमीटर, सेगमेंट, सेक्टर और ये सब नोट डाउन करें। ओके, आज भी नोट डाउन करना है। तो डियर स्टूडेंट ट्राई करें इनको, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं आपके लिए इसकी पीडीएफ, इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन सेंड करूंगा। ओके, नाउ से ट्रू और फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन है, टू डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। क्या एक सर्कल के जो दो डायमीटर होंगे, क्या वो आपस में जरूर कट करेंगे? हाँ जरूर कट करेंगे, और कहाँ से कट करेंगे? सेंटर पे से कट करेंगे। ओके, देखो ये सर्कल है, सर्कल का एक डायमीटर ये है, सेंटर से निकलता है। अब एक और डायमीटर होगा तो वो भी तो सेंटर से ही निकलेगा, तो दोनों आपस में सेंटर पे कट करेंगे और कंपलसरी कट करेंगे इसे, कितने भी बनाओ आप। ओके, नाउ द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इंटीरियर। हाँ भाई, सेंटर तो हमेशा सर्कल के इंटीरियर साइड में होता है, एक्सटीरियर में थोड़ी ना होता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन विच आई हैव लेफ्ट फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी।
ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।